तो आज हम बना के लेके आए हैं ड्राई फ्रूट बर्फी, वो भी कम समय में। तो चलिए हम ये रेसिपी ट्राई करते हैं। कम समय में आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स बर्फी, वो भी घर पे। तो चलिए हम रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि हमने इंग्रेडिएंट क्या क्या लिया है। मैंने आधा कप अखरोट लिया है, आधा कप बादाम, आधा कप काजू। इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 3 से 5 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। मैंने इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट ड्राई फ्रूट्स ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय हम इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। आधा कप किशमिश, ये मैंने आधा कप खजूर लिया है, ये बिना बीजे वाला है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। 2 बड़ी चम्मच शक्कर, 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा रहेगा। आप देख सकते हो कि एकदम दरदरा सा पाउडर बना है। हमने दरदरा इसलिए पीसा है ताकि जब हम बर्फ़ी खाएं तो उसमें हमें मेवे का स्वाद आना चाहिए। ड्राई फ्रूट पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच देसी घी यूज़ किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हम इसे बाइंड कर सकें। मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे। चाहे तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।